मुसलमानों पर फिरा पानी। हार की खबर से निकाली मोदी की जान। अमेरिका से आया बीजेपी की हार का फरमान। मोदी नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी के लिए बजी खतरे की घंटी। सैयद शुजा ने किया बड़ा खुलासा। बीजेपी कर रही है ईवीएम से छेड़छाड़। बेईमानी करके ही बन सकते हैं मोदी पीएम। आम और संतरों को खाने का तरीका बताने वाले पीएम मोदी के लिए सात समुंदर पार से हार की खबर आई है कि मोदी किसी भी सूरत में इस बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। प्रधानमंत्री बनने का यह सपना मोदी के लिए सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। ये मैं नहीं बल्कि अमेरिका से आई एक खबर कह रही है कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसके लिए बड़ा खुलासा हुआ है जिससे भारत की सियासत में भूचाल आ गया है। पीएम मोदी की जान निकल गई है। बीजेपी अपना सर पीट रही है। अमित शाह ने सारे बाल नोच डाले हैं क्योंकि बीजेपी खुद बेरोजगार होने वाली है। दुनिया के सबसे बड़े साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा ने किया दावा कि बीजेपी ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके सारे वोटों को अपने पक्ष में पलट लिया है। यही वजह है कि पूरे देश में हर जगह ईवीएम से भरी गाड़ियां पकड़ी गई हैं। एक दो शहर या गांव की घटना नहीं है बल्कि पूरे देश में जहां तहां बीजेपी की ईवीएम मशीन बदलने की चोरी देश के सामने आ चुकी है। गाजीपुर चंदौली में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर हंगामा हुआ। महागठबंधन के अफजल अंसारी ने ईवीएम बदलने का आरोप लगाया। झांसी छपरा में ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत को लेकर हंगामा हुआ। सोशल मीडिया पर ईवीएम बदलने की खबरें वायरल हुई लेकिन सारी खबरों को झूठ बता दिया गया। यूपी के गाजीपुर में पकड़ी गई ईवीएम से भरी गाड़ी। 20 मई को यूपी के चंदौली में करीब 150 ईवीएम से लदा ट्रक पकड़ा गया। डुमरियागंज और झांसी में पकड़ी गई ईवीएम से भरी गाड़ी। सारण और महाराजगंज सीट में पकड़ी गई ईवीएम मशीनें। आरजेडी ने ईवीएम भरे ट्रक का फोटो ट्वीट किया। हरियाणा के फतेहाबाद में ईवीएम से भरा ट्रक पकड़ा गया। पंजाब में ईवीएम से भरा ट्रक पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के गुना में एक अधिकारी के घर ईवीएम मशीन मिली। एके श्रीवास्तव सस्पेंड। मतलब साफ है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पूरे भारत में इतनी जगह ईवीएम पकड़ी जा रही हैं। चुनाव आयोग मौन है, किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। सैयद शुजा का दावा है कि बीजेपी को इस बार सिर्फ 168 सीट ही मिलेंगी। मतलब बीजेपी पूरी तरह हार चुकी है। खबरें हैं कि बीजेपी ने अपने पावर के दम पर एग्जिट पोल एजेंसियों से अपने पक्ष में एग्जिट पोल दिखाने को कहा है जिससे 23 मई को आने वाले रिजल्ट में कोई बीजेपी पर अंगुली ना उठा सके। लेकिन मोदी और अमित शाह के अरमानों पर पानी फिर गया है। 23 तारीख से पहले ही चौकीदार की चोरी पकड़ी गई है। तस्वीरें वीडियो सामने हैं। विपक्ष ने धरने प्रदर्शन भी किए। 22 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ बैठक की और ईवीएम पर संदेह की बात कही लेकिन चुनाव आयोग भी इस पर चुप्पी साधे है। कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग में घटास की खबरें आई थी लेकिन पावर की नाल से सारी खबरों को दबा दिया गया। कौन है सैयद शुजा? ईवीएम हैकिंग का दावा करने वाले हैं सैयद शुजा। उन्होंने पिछले दिनों दावा किया था कि भारत में इस्तेमाल हो रही ईवीएम को हैक किया जा सकता है। 2014 लोकसभा चुनाव में ईवीएम को हैक किया गया था और उसी के दम पर बीजेपी की जीत हुई थी। शुजा के अनुसार इसके बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को खत लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग की। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की मौत हादसे में नहीं हुई थी बल्कि उनकी हत्या की गई थी। शुजा के मुताबिक गोपीनाथ मुंडे और गौरी लंकेश की मौत कहीं न कहीं ईवीएम से जुड़ी हुई थी। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर सैयद शुजा हैदराबाद के रहने वाले हैं, फिलहाल अमेरिका में नौकरी करते हैं। सैयद शुजा की माने तो वो भारत में वोटिंग के लिए ईवीएम मशीन बनाने वाली टीम का हिस्सा थे। शुजा ने दावा किया कि साल 2014 में उनकी टीम को किसी भी तरह ईवीएम मशीन को हैक करने के लिए कहा गया था। शुजा के मुताबिक जब उनकी टीम ने ईवीएम हैक कर दी तो हैदराबाद में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। शुजा के मुताबिक वो इस हमले में बच गए लेकिन उनके साथी इसमें मारे गए। इसके बाद उनके साथियों को दंगों का शिकार बता दिया गया। तस्वीर साफ है, बीजेपी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में ईवीएम को बदल रही है। पूरे भारत में ईवीएम मशीनें पकड़ी जा रही हैं, लेकिन अफसोस पावर के डर से सब के सब चुप हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग भी मौन है।